यात्रा है जो बक्सर से लेकर पटना तक जा रही है। साथियों, लगातार पिछले कई सालों से जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के हमारे नेताओं द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही, मांग को रखा जा रहा है। लेकिन केंद्र में बैठी जो सरकार है, जो सावंतशाही सरकार है, मनवादी व्यवस्था की तोषक सरकार है, वो नहीं चाहती कि पता चले कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है। वो नहीं चाहती कि पता चले कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है, अगलों की संख्या कितनी है। मेरे सम्मान्य साथियों, इस देश में कुत्ते, गधा, बिल्ली, घोड़े की जनगणना होती है, बच्चों की गणना होती है, लेकिन पिछड़ों और अगलों की जातियों की गिनती नहीं की जाती है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, जब तक सभी जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, नहीं पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जो सदियों से इस देश की बहुसंख्यक आबादी, किसान, कमेरा, मजदूर, जो जनसंख्या है, ओबीसी, एससी, एसटी समाज है, उनकी हिस्सेदारी खाते आए हैं, वो कौन लोग हैं जो सदियों से हमारे अधिकारों को लूटने का काम करते आए हैं। इसलिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। लगातार सरकार मक्कारी करती आई है, और जब कोई मक्कारी को उतराता है, शैतानी को उतराता है, तो उसे सुधारने का काम किया जाता है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, यह जनता का शासन है, और जनता की मर्जी जो है, जनता की मांग है, इस राष्ट्र की, इस देश की मांग है कि जातियों की गणना की जाए। और इसी को लेकर के राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन मंडल आर्मी और मैं अनूप सिंह विद्रोही आपसे अपील करता हूँ कि जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आए तो आप उसका सम्मान कीजिए, उसको पानी पिलाइए, लेकिन जनगणना में सहयोग नहीं कीजिए। अगर जातियों की गणना नहीं की जाएगी तो हम बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। मेरे साथियों, आपसे अपील है कि अगर जाति को नहीं गिना जाता है तो 2021 की होने वाली जनगणना में, 22 की होने वाली जनगणना में जनगणना का बहिष्कार करने का काम करें। 2021 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं।